प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूं सोनाली चोपड़ा आज का हमारा टॉपिक है इथोपिया युद्ध तो जल्दी से देख लेते हैं उसके बारे में जानेंगे उसके बाद इथोपिया का जो संघर्ष है और भारत का क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में जानेंगे उससे जुड़ी चुनौतियां आगे की रहा और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न क्योंकि आज का टॉपिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और यह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है तो इसलिए इसे हम पेपर टू से कनेक्ट करेंगे दरअसल पिछले कुछ समय से माना जा रहा है कि इथोपिया में घरेलू संघर्ष जैसी स्थितियां बन रही हैं जिसके कारण इथोपिया चर्चा में है इसके संदर्भ में डब्ल्यू के यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो प्रमुख हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस उन्होंने भी इस संघर्ष के ऊपर जो है चिंता जाहिर की है अब जान लेते हैं कि इथोपिया में ये संघर्ष किस बारे में है पर उससे पहले देख लेते हैं इथोपिया का मैप यहां पर हम देख सकते हैं कि इथोपिया एक लैंडलॉक देश है इसकी सीमाएं सोमालिया केन्या, युगांडा सूडान इरिट्रिया और जीपूती के साथ लगती हैं। यहां पर जो है हिंद महासागर है और यहां पर रेड सी है और यहां पर अदन की खाड़ी है अवस्थित तो यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी है जिसमें सोमालिया इथोपिया इरिट्रिया और जिबूती ये जो क्षेत्र है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है क्योंकि यहाँ पर जो है एक सींग जैसी आकृति बन रही है तो इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है अब जान लेते हैं इथोपिया के जो हालिया संघर्ष है उसके बारे में पिछले कुछ समय यानी सितंबर से माना जा रहा है कि इथोपिया में घरेलू संघर्ष जैसी स्थितियां बन रही हैं। इसका कारण क्या है इसका कारण है टिग्रिक जो क्षेत्र है वहां पर फेडरल गवर्नमेंट है तो उसके विरोध में जो है वहां पर एक चुनाव आयोजित किया गया था जिसका फेडरल गवर्नमेंट ने जिसको गैर कानूनी घोषित कर दिया उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट और टिगरी की जो गवर्नमेंट थी उनके बीच में जो है एक संघर्ष हुआ टिगरी अथॉरिटीज और फेडरल गवर्नमेंट के बीच संघर्ष हुआ ऐसा माना जा रहा है कि जब से जो प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद ये जब से सत्ता में आए हैं ये 2018 में सत्ता में आए थे तो ऐसा माना जा रहा है कि जब से ये सत्ता में आए हैं तब से यह संघर्ष शुरू हुआ है इन्हें 2019 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था उसके बाद नवंबर में इन्होंने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अभी अहमद को दो में शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था उसके बाद नवम्बर में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने टिगरी क्षेत्र में अपनी सैन्य टुकड़ी भेजी सरकार का मानना है कि जो वहां पर जो ये टिगरी टिगरे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट यानी कि टी पी एल एफ सरकार का मानना है कि जो टी पी एल एफ का दल है उन्होंने संघीय सेना पर हमला किया जिसकी वजह से उन्होंने सेना भेजी थी पर टीपीएलएफ का कहना है कि जो सेना है उन्होंने उस पर हमला किया था तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों दल हैं इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जिस वजह से यह संघर्ष है और सत्ता नियंत्रण की मंशा से भी जो है संघर्ष चल रहा है अब संघर्ष के जारी होने से क्या होगा जो पड़ोसी देश हैं, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर संघर्ष होता है तो पड़ोसी देशों में भी अशांति हो सकती है इसके अलावा उन्नीस से 2000 में इथोपिया इरिट्रिया युद्ध में शामिल हुआ था जिसमें जो है टीपीएलएफ के जो पूर्व सदस्य हैं वो आज टीपीएलएफ की क्षेत्रीय सशस्त्र सेना का हिस्सा हैं। इसके अलावा ब्लू नील जो नदी है उस पर रेनेसा बांध का जो निर्माण है उसके चलते इथोपिया और मिस्र के बीच में तनाव है जिसमें सुडान भी शामिल है इसके अलावा अगर इथोपिया का संघर्ष बढ़ता है तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था मैप में उसमें भी जो है वह भी प्रभावित हो सकता है तो जो जिबूती के आसपास जो है अमेरिका और चीन के बीच जो है कुछ सैन्य अड्डे हैं ऐसे में ग्रह युद्ध प्रभावित होने से यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है यानी कि इंटरनेशनल जो है यह बन सकता है अब जान लेते हैं इथोपिया संघर्ष और भारत का क्या संबंध है दरअसल भारतीय वहां पर जितने काम कर रहे हैं वो तो कोई संख्या स्पष्ट नहीं है यानी कि अस्पष्ट है पर वहां पर जो भारतीय काम कर रहे हैं या तो वो आ, किसी भी एजुकेशनल फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हैं या फिर जो है वो कारखानों में काम करते हैं जो भारतीय हैं वहाँ पे अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है संघर्ष की तो जो भारतीय वहाँ पे काम कर रहे हैं वो वहाँ पर फंस सकते हैं इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार है हमारा इथोपिया के साथ तो वो प्रभावित हो सकता है अगर हम 2017-18 के आंकड़े देखें तो भारत और इथोपिया के बीच एक दशमलव दो सात एक बिलियन डॉलर का जो है द्विपक्षीय व्यापार है और भारत इथोपिया के लिए आयात के लिहाज से तीसरा बड़ा स्रोत है तो देख सकते हैं कि भारत को तो है कुछ हद तक जो है इसमें अगर यह संघर्ष होता है तो भारत को भी कुछ हद तक इसमें जो है, जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तो सबसे मेन जो है वो इसमें व्यापार है जो कि प्रभावित होगा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इथोपिया यहां पर जो ये क्षेत्र है ये जो है ये टिगरे का क्षेत्र है तो अगर इस क्षेत्र में संघर्ष होता है तो आसपास के जो क्षेत्र हैं और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो प्रभावित हो सकता है अब जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती इरिट्रिया इथोपिया और सोमालिया इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं तो ये चार देश हैं सोमालिया इसके लिए हम वर्ड लिख सकते हैं सीड यानी कि सोमालिया इरिट्रिया इथियोपिया और जिबूती जिबूती की जो स्पेलिंग है वो डी से स्टार्ट होती है जे उसके बाद जिबूती लिखा जाता है तो डी जो होता है वो साइलेंट होता है तो इसलिए यहाँ पे मैंने डी लिखा है तो सीड अगर आप याद कर लेंगे तो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं उनके नाम याद हो जाएंगे इसके बाद टिगरे जो क्षेत्र है वो उत्तर इथोपिया में अवस्थित है अभी हमने देखा था कि जो शेडिड जो मैंने आपको पार्ट दिखाया था वो टिगरे क्षेत्र था इसके अलावा इथोपिया का जो फेडरल सिस्टम है देश के दस क्षेत्रों को स्वायत्तता देता है स्वायत्तता देना यानी कि वो उनको अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है इसी तरह टिगरे क्षेत्र में भी जो है स्वायत्तता है अब टिगरे क्षेत्र में जो स्वायत्त संसद है इसके अलावा क्षेत्रीय सैन्य बल है और रेफरेडम है तो ये अधिकार हैं टिगरे क्षेत्र में उसके अलावा दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले अधिक संपन्न क्षेत्र है इसलिए यहां पर संघर्ष है अब जान लेते हैं इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में सबसे बड़ी चुनौती है दोनों दलों के बीच में जो आइडियोलॉजी का डिफरेंस है वो सबसे बड़ा जो है इसमें TPLF और अभी अहमद के राजनीतिक दलों की विचारधारा में अंतर होने के कारण यह संघर्ष बढ़ सकता है उसके अलावा जो इथोपिया में जातीय विविधता है वो भी घरेलू संघर्ष का बहुत बड़ा कारण है इसके अलावा TPLF को वामपंथी राष्ट्रवादी समूह जो कि इरिट्रियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है उसका भी समर्थन मिल रहा है जिसके चलते यह संगठन जो है उनको समर्थन देता है ताकि वो सोवियत बेस्ड जो है सरकारी शासन का विरोध करें इसके अलावा स्वायत्त अधिकारों की वजह से टिग्री में केंद्रीयकरण होने में बाधा भी है तो ये थी कुछ चुनौतियां अब ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या हो सबसे पहले है कि शांति बहाली के लिए टीपीएलएफ से बातचीत होनी जरूरी है जो क्योंकि जो अभी हैं वो शांति नोबेल पुरस्कार के विजेता है इसके चलते वो शांति के लिए जो है टी से बात कर सकते हैं इसके अलावा लोगों के हित में अफ्रीकी संघ को भी भूमिका निभानी होगी अफ्रीकी जो संघ है उसमें पचपन देश सदस्य हैं पचपन सदस्य देश हैं और उनमें इथोपिया भी शामिल है अफ्रीकी संघ में क्योंकि इथोपिया जो है वो अफ्रीका का ही एक भाग है इसके बाद जो अगर अफ्रीकी संघ भी उसमें जो है भूमिका निभा सकता है इसमें शांति बहाली के लिए इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो मौजूद विदेशी शक्तियां हैं वह भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं अब जान लेते हैं आपका आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विश्ववत रेखा इथोपिया के मध्य से गुजरती है दूसरा यदि इथोपिया के केंद्रीय भूक्षेत्र से उत्तर दक्षिण रेखा खींचकर उत्तर दिशा का अनुसरण किया जाए तो ब्रिटेन पहुंचा जा सकता है तीसरा लाल सागर को स्पर्श करता है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही कथन चुनिए ए केवल एक और दो बी केवल दो और तीन सी केवल एक और तीन या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद